नमस्कार दोस्तों और माई बाप, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रज के शर्मा जी पर। मैं सतीश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज चलते हैं भगवान श्री गोदा रंगमन्नार जी की सवारी का आनंद लेने के लिए और उनका दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। ये भगवान गोदा रंगमन्नार जी का मंदिर है जो कि दक्षिण भारतीय शैली की स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है और जिसे रंगजी मंदिर के नाम से भी हम लोग जानते हैं और बड़ा ही फेमस मंदिर है और बहुत ही विशाल प्रांगण में ये वृंदावन में बना हुआ है। तो दोस्तों अब होली का समापन हो चुका है और होली की दौज से यह मेला प्रारंभ यहाँ इस मंदिर का हो जाता है जो कि अगले 12 दिनों तक लगातार यह चलता रहता है और इसमें भगवान श्री रंगनाथ भगवान की दोनों टाइम सवारियां जो है अलग अलग वाहनों पे विराजमान होकर और यहाँ निकलती हैं और बहुत ही विशाल प्रांगण में यहाँ मेला लगा होता है। तो आज हम उसी का दर्शन करने के लिए आए हैं परिवार के साथ और आनंद लेते हैं दोस्तों, आइए। तो दोस्तों ये ठाकुर जी की सवारी अब मंदिर से बाहर आ गई है और ये आप देख सकते हैं कि सबसे आगे यहाँ पर हाथी चलता है। हाथी के पीछे दो घोड़े होते हैं और उसके पीछे श्री भगवान गोदा रंगमन्नार जी का रथ होता है जिसमें रथ में भगवान अपने वाहन पर विराजमान होते हैं। तो दोस्तों अब आप यहाँ रंगनाथ भगवान जी का दर्शन कर सकते हैं। देखिए किस तरह से दो विशाल छत्रों के नीचे और चांदी के हंस पर भगवान रंगनाथ जी की आज सवारी है और देखिए कितना ही सुंदर दर्शन भगवान रंगनाथ जी का यहाँ से हो रहा है और बड़ा ही आनंददायी छवि है। और दोनों टाइम ये अलग अलग वाहनों पर सवार होकर और ये सवारियाँ यहाँ से निकलती हैं। तो दोस्तों ये सवारी बड़े बगीचा तक जाती है जो कि रंग मंदिर का ही एक दूसरा प्रांगण है जहाँ पर सवारी का कुछ देर के लिए विश्राम होता है और विश्राम के बाद वो सवारी वहाँ से वापस फिर से यहाँ मंदिर के लिए वापस लौटती है। तो दोस्तों सवारी अब ये बड़े बगीचा की तरफ बढ़ रही है और हम बड़े बगीचा भी जाएंगे। तब तक उससे पहले हम कुछ मेले का आनंद ले लें, बच्चों के साथ कुछ झूलों का आनंद ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम भी बड़े बगीचा दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो दोस्तों मेले में बहुत सारे तरह के झूले लगे हुए हैं, छोटे बड़े हर तरीके के। उनमें से कुछ झूलों का आनंद हम आज लेंगे बच्चों के साथ। ये सबसे पहले ये नाव वाला झूला है, इसका हम आनंद लेते हैं दोस्तों। नाव वाला झूला झूलने के बाद अब बच्चों ने डिमांड कर दी वोटिंग करने की, तो अब बच्चों को वोटिंग करा रहे हैं और इनको देख के मुझे खुद अपना बचपन याद आ रहा है कि काश हमारे समय में भी इतने एन्जॉयमेंट वाले साधन होते तो हम भी कितना एन्जॉय करते, लेकिन अब नहीं कर सकते, अब सिर्फ इनको देख कर ही हम एन्जॉय कर सकते हैं। चलिए आनंद लेते हैं वोटिंग का बच्चों के साथ। जय जय श्री राधे।
ये जंपिंग नेट में दोस्तों आप देख सकते हैं बच्चे कितने आनंदित होकर और इसका जंपिंग नेट का आनंद ले रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं एकदम धमाकेदार चौकड़ीदार। तो दोस्तों यहाँ पर एक हॉन्टेड हाउस भी है, ये भूत बंगला जिसको हम कह सकते हैं, ये भी मनोरंजन के लिए आया हुआ है। तो जिन लोगों के दिल कमज़ोर ना हो वो लोग यहाँ जाकर मनोरंजन अपना कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं इस हॉन्टेड हाउस का भी। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं गांधी पार्क में और गांधी पार्क में से मेले का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है। दूर से आप देखिए सब कुछ कितना रोशनी से रंगीन हो रखा है और बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से ये दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं बड़े बगीचा पर और ये बड़े बगीचा का मुख्य द्वार है और यहाँ सवारी अंदर से बाहर आ रही है, आप देख सकते हैं कि सवारी दरवाजे पे आ चुकी है। तो दोस्तों सवारी अब ये रंगजी मंदिर के मुख्य द्वार पर वापस आ चुकी है और यहाँ से अब ठाकुर जी मंदिर में अंदर वापस विराजमान होंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।